सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू ब्लॉग में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो देख सकते हैं ये है खजूरी, खजूरी का फ्लाईओवर और इसके बगल से ही जा रही है पिंक लाइन मेट्रो। और आज हम मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, यहां से देखिए, यहां से हम हो चुके हैं लेफ्ट और आज आपको दिखाते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, जो पाबी पुस्ता पे कितना कुछ वर्क चल रहा है अभी इस टाइम वो दिखाएंगे। यहाँ से पाबी पुस्ता स्टार्ट हो जाता है और चलेंगे पाबी पुस्ता के एंड तक, यानी कि चौराहे तक, यानी कि हम दिल्ली यूपी का बॉर्डर क्रॉस करके और हम यूपी में घुस जाएंगे। तो देख सकते हैं करावल नगर बागपत, ये बिल्कुल सीधा चला जाता है यहाँ से। पहले यही रास्ता हुआ करता था दोस्तों। और आपको बता दूँ कि यहाँ पर रोड एक्सपेंशन का काम चल रहा है, यानी कि रोड चौड़ा करने का काम चल रहा है अभी इस टाइम पे इस पाबी पुस्ते पर। तो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को, और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर लेना। नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ से ये सेफ्टी बोर्ड लगा दिए जा चुके हैं। अब इसके बीच में इसमें पाइलिंग का काम होना स्टार्ट हो जाएगा। ये पाबी पुस्ता के बीच में इस पर पिलर बनाए जा रहे हैं और आपको रोड एक्सपेंशन का काम चल रहा है अभी इस टाइम पे इस पाबी पुस्ते पर। तो आप लोगों को आगे और कुछ बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, तो आप बने रहो इस वीडियो के साथ में और आपको एंटरटेन करते हैं और दिखाते हैं दोस्तों। तो ऐसे ही वीडियोज़ में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड पर डे लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ दोस्तों। तो मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं आप सबको, आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो भाई। तो चलते चले जा रहे हैं हम ये पाबी पुस्ते को। तो इस पे यहाँ पर ये चौराहे से पढ़ते जा रहे हैं, कौन कौन से गांव हैं मुझे नहीं पता आज हमें पाबी पुस्ते, ये इतना पता ये पाबी पुस्ता है। और बिल्कुल इसके एंड तक चलेंगे चौराहे तक, और चौराहे से आपको बता दूँ राइट में तो चला जाता है लोनी के लिए और लेफ्ट में चला जाता है बागपत बड़ौत के लिए, सहारनपुर निकल जाएगा। तो इसी रूट को एक्सटेंड किया जा रहा है अभी, दिल्ली मेरठ दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, दिल्ली सहारनपुर दिल्ली देहरादून, और बहुत ही एक्सप्रेस वे बहुत ही अच्छा बनाया जा रहा है। और आपको बता दूँ दोस्तों कि दिल्ली अक्षरधाम से लेकर और आपको ईस्टर्न पेरिफेरल तक, यानी कि मंडोला विहार परियोजना से आगे जो आएगा ईस्टर्न पेरिफेरल, वहाँ तक ये 14 लेन का ये बनाया जाएगा गाइस। देख सकते हैं आप लोग, तो 12 लेन का बनाया जाएगा। इसमें 6 लेन रहेंगी एक्सप्रेस वे की और 6 लेन रहेंगी लोकल ट्रैफिक की। तो आप लोगों को अभी दिखाते हैं आगे, देखो कैसे रोड एक्सपेंशन का काम चल रहा है। तो देख सकते हैं ये मिट्टी डाली जा रही है, ये देख सकते हैं तस्वीरें, ये रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है। फिर उसके बाद में बीच में यहाँ पर सेफ्टी बोर्ड लगाए जाएंगे और सेफ्टी बोर्ड लग जाने के बाद में फिर इस पर पाइलिंग स्टार्ट किया जाएगा। तो अभी रोड को एक्सपेंशन काम चल रहा है, एक्सपेंशन करने का काम चल रहा है रोड को, बस यही काम चल रहा है। तो उधर तो आपको बता दें खजूरी के साइड में तो देख सकते हैं कि वहाँ पर बोर्ड लगा दिए जा चुके थे, और आगे देखते हैं कि कहाँ पे बोर्ड लगे हुए हैं, कहाँ पे नहीं लगे हुए हैं, क्या काम चल रहा है, वो आप लोग इस वीडियो में देखते हुए चलोगे और देखते हुए चलोगे ही, देखने के लिए मिलेगा आप सभी को। तो ऐसे ही वीडियोज़ मैं लाता रहता हूँ और आप लोगों को इंटरटेन करता रहता हूँ दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, आज मैं पूरे ही रूट को कवर कर देंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा 14-15 मिनट का, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा कि पाबी पुस्ता जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ ख़त्म होता है उस पे पाबी पुस्ते पे कितना कुछ काम चल रहा है। पर आपको बता दूँ ये कुछ साल पहले, ये आपको बता दूँ कि ये यमुना रिवर के पानी की वजह से यहाँ पर ये मिट्टी डाली गई थी और उसी पर ये पाबी पुस्ता बना दिया, फिर इसके बाद में रोड बना दिया। पहले ये सिंगल लेन का हुआ करता था, अब ये डबल लेन का कर दिया जा चुका है गाइस, क्योंकि मोदी सरकार के राज्य में ही ये बनाया गया, जब 14 के बाद में मोदी जी आए थे उसके बाद में ही ये बना था डबल रोड।
पहले सिंगल हुआ करता था। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये साइडों में मिट्टी डाली जा रही है, इसको चौड़ा करने का काम चल रहा है रोड को। देख सकते हैं ये इस तरीके से ये मिट्टी डाल रहे हैं, जहाँ पर ये पाइलिंग की जाती है, पाइलिंग की मिट्टी लाई जाती है और इधर उधर से मिट्टी लाई जा रही है, वो सब इसको एक्सपेंशन का काम चल रहा है रोड का। एक्सपेंशन यानी कि चौड़ा करने का ही काम चल रहा है दोनों साइड में, और चौड़ा हो जाएगा फिर रोड बना दी जाएगी। रोड बना जाने के बाद में फिर इस पर सेफ्टी बोर्ड लगाए जाएंगे दोस्तों बीच में, तभी तो इस पर एलिवेटेड रोड बनेगी। क्योंकि आपको बता दूँ अक्षरधाम से लेके और आपका मंडोला बिहार तक ये एलिवेटेड रहने वाला है दोस्तों। मंडोला बिहार से और एक जगह पड़ती है वहाँ तक ये एलिवेटेड रहेगा, फिर उसके बाद में ग्राउंड लेवल पर आ जाएगा। ये ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे कहलाया जाएगा दोस्तों आने वाले टाइम में। और जैसे हमारे मोदी सरकार ने सराय काले खां से लेकर मेरठ तक जैसे 16 लेन का एक्सप्रेस वे बनाया है दिल्ली मेरठ, उसी को मद्देनज़र रखते हुए इसको भी बनाया जा रहा है। इसी वजह से क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है आज की डेट में, तो उसी ट्रैफिक को झेलते हुए इसको ये एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। क्योंकि दिल्ली में तो ये एलिवेटेड रहेगा और दिल्ली से जैसे ही बाहर जाएंगे वैसे ये ग्राउंड लेवल पर आ जाएगा दोस्तों। तो अभी देखते हुए चलो कि कहाँ पर कितना काम चल रहा है, वो सब कुछ आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली यूपी बॉर्डर को जब हम क्रॉस करेंगे, जब हम दिल्ली से और यूपी बॉर्डर के अंदर जाएंगे, तब आप लोगों को यहाँ पर काम ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। अभी इतना ज़्यादा काम नहीं है, देख सकते हैं यहाँ बैरिकेड लगा रखे पुलिस वालों ने, क्योंकि यहाँ दिल्ली का एंड हो जाता है, इस वजह से ये बैरिकेड लगाए गए हैं। देख सकते हैं दोनों साइड में अभी ये एक्सपेंशन का काम चल रहा है, रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है। और ये देख सकते हैं यहाँ का ये बोर्ड आने वाला है, तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाएगा दिल्ली आगमन पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी आने वाला है बोर्ड, फिर आप लोगों को दोनों साइड में कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पर पाबी पुस्ता पे रोड एक्सपेंशन का काम कैसे चल रहा है, किस तेज़ी से चल रहा है। कहीं कहीं मिट्टी डाली जा रही है, कहीं कहीं रोडी कंक्रीट रोडी डाली जा रही है, उसको बिछाई लेबलिंग की जा रही है। दूसरा पहले तो मिट्टी डाली जाएगी, फिर रोड़ी बदरी डाली जाएगी, फिर उसके बाद में इस पर ब्लैक टॉप किया जाएगा, तब जाके ये चौड़ा होगा। अभी तो ये ऊपर उठाएंगे फिर करेंगे। देख सकते हैं आप लोग ये यहाँ पर अब दिल्ली का ये बोर्ड आ गया लास्ट, यहाँ पर दिल्ली का एंड हो चुका है। देखो दिल्ली धन्यवाद पदार्थ पर, देख सकते अब यहाँ से ये काम हो चुका है स्टार्ट। देख सकते हैं रोड एक्सपेंशन का काम चल रहा है दोनों साइडों में ही। देखो इधर मिट्टी डाली जा रही है, दूसरे साइड में कंक्रीट डाला जा रहा है, कंक्रीट की मदद से इसको लेवल किया जा रहा है, और इधर मिट्टी डाली जा रही है लेफ्ट हैंड पर। देख सकते हैं आप लोग तस्वीर, और ऐसे ही आपको एंड तक मिलेगा पाबी पुस्ता के, देखो आप लोग खुद ही अपनी आँखों से। तो अभी यही वर्क चल रहा है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे का। देखो इधर इस पर आपको बता दूँ ड्रेनेज सिस्टम भी बना दिया गया, फिर उसके बाद में इस पर कंक्रीट की लेयर भी चढ़ा दी गई है एक, फिर उसके बाद में और लेयर डाली जाएगी, फिर इस पर ब्लैक टॉप किया जाएगा, तब ये चौड़ा होगा, फिर ये डिवाइडर तोड़ दिया जाएगा। तो तोड़ जाने के बाद में फिर इस पर ये सेफ्टी बोर्ड लगाने के बाद में फिर इस पर पाइलिंग मशीन लग जाना स्टार्ट हो जाएगी, पाइल करना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर इस पर पिलर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे कि आपने खजूरी पुस्ते पर देखा दोस्तों पीछे, वैसे ही इधर इस पर पाबी पुस्ता पर भी देखने के लिए मिलेगा आपको 4-5 महीने के बाद में, इस पर बहुत सारा काम हो जाएगा। तो जो रोड एक्सपेंशन का काम चल रहा है वो 4-5 महीने में शायद कंप्लीट सही हो लेगा, तब आप लोगों को दिखाएंगे अच्छी तरीके से कि कहां पर कितना वर्क चल रहा है। अभी आप लोग देख लो और फिर 4-5 महीने बाद देखना कि कितना कुछ वर्क इस पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर हो चुका है पाबी पुस्ते पर। देख सकते हैं आप लोग दोनों साइड में कहीं कहीं ये एक्सपेंशन का काम चल रहा है, कहीं कहीं बिल्कुल ख़त्म है। तो यही चल रहा है बस दोनों साइड में, ज़्यादा तो नहीं चल रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि जो यूपी बॉर्डर का वो यूपी में हम घुसते तो वो बोर्ड हटा दिया गया है, क्योंकि पहले ये लगा हुआ था, जब से ये रोड एक्सपेंशन का काम चला तब से वो हटा दिया गया है।
यूपी का। अब हम अभी इस टाइम पर यूपी में चलने लगे दोस्तों, अभी हम उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं इस टाइम पर, उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। तो ये हमारे गाज़ियाबाद में लगता है गाइस, ये गाज़ियाबाद में आ जाता है, लोनी भी गाज़ियाबाद में आता है, ये सारे। तो ये गाज़ियाबाद में आ रहे हैं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो वीडियोस को, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ कि वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी थी या ख़राब थी, तो आप हमें कमेंट करके बताना। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन, उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के बीच में दोस्तों लाता रहता हूँ और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो देख सकते हैं अभी हम चलते हुए चले जा रहे हैं, तो अभी कहीं कहीं हो रहा है एक्सपेंशन का काम रोड का, कहीं कहीं अभी बंद पड़ा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी मिट्टी डाली जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊँचाई पर यह है, काफ़ी ऊँचाई पर था ये पुस्ता, तो इस वजह से ही इसकी मिट्टी की लेवलिंग की जा रही है दोनों साइड पर, इन्हें भी ऊँचा बनाया जाएगा। तो आपको बता दूं कि 6 लेन इस साइड में रहेंगी और 6 लेन दूसरी साइड में रहेगी, और 6 लेन का ये एलिवेटेड होगा गाइस, तो हो गई ना 12 लेन, तो यही 12 लेन का बनाया जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये सेफ्टी बोर्ड लगे हैं, और दूसरी साइड में ये ट्रक खड़ा हुआ है, और देख सकते हैं दूसरी साइड में एक्सपेंशन का काम चल रहा है, इधर भी चल रहा है। ड्रेनेज सिस्टम देखो, ड्रेनेज सिस्टम भी बना दिया गया है, वो वाइट वाइट सा चमक रहा लास्ट में, और देख सकते हैं इसमें ये कंक्रीट डाल के इस पर लेवल किया जा रहा है, और फिर इसके बाद में इधर भी किया जा रहा है, दोनों साइड में यही चल रहा है। देख सकते हैं ये कंक्रीटिंग कर दी गई है, कंक्रीट डाल के फिर लेवल किया जाता है। ड्रेनेज सिस्टम देख सकते हैं ये रहा, बस यही रोज को एक्सपेंशन काम, ये एक्सपेंशन का ही काम चल रहा है, रोड को चौड़ा करने का ही अभी इस टाइम पर, इस पर भी पुश्ते पर काम चल रहा है। देख सकते हो आप लोग कि कहीं कहीं चल रहा है, कहीं कहीं बंद पड़ा है, तो जहाँ मिट्टी डल गई है वहाँ तो हो गया क्लियर। तो अभी तो जहाँ जहाँ घर आ रहे थे वो भी तोड़वाए जा रहे हैं, उनको भाई मुआवजा मिल रहा है मोटा, जिनका घर आ रहा था उसमें। और NHAI की ये पूरा द्वारा, NHAI द्वारा ये इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे को बनाया जा रहा है, और देख सकते हैं यहाँ पर ये मिट्टी की लेवलिंग की जा रही है, मिट्टी बिछाई जा रही है, पहले मिट्टी डाली जाएगी, फिर उसके बाद में कंक्रीट डाला जाएगा, कंक्रीट की इसकी 3-4 परतें पड़ेंगी, फिर उसके बाद में ब्लैक टॉप किया जाएगा दोस्तों, और फिर ये रोड बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। फिर देख सकते हैं, क्योंकि अभी जो अभी वाहन चल रहे हैं इस पर, कुछ नीचे चलेंगे कुछ ऊपर चलेंगे, ठीक है, तो इसको लेवल किया जाएगा, ऐसा नहीं है क्योंकि इनको बराबर ही किया जाएगा, तभी तो बराबर होगा। तो देख सकते हैं कहीं कहीं काम चल रहा है, कहीं कहीं अभी बंद पड़ा है, तो यही है। और अगली बार जब भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा दोस्तों, तो आप लोगों को दोनों साइड का दिखाऊंगा, पहले इस साइड से दिखाऊंगा फिर उस साइड से दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को दोनों साइड का वर्क देखने के लिए मिले इस पाबी पुश्ते का दोस्तों। और ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करो, लाइक करो वीडियोज़ को, और ऐसे ही KP संत द्वारा इस वीडियोज़ को देखते रहो, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड दोस्तों। देख सकते हैं आप लोग तस्वीरें, क्योंकि यहाँ पर ये आ चुका है पाबी पुश्ते का पूरा चौक, और ये चौक आ गया, ये ये क्या नाम मंदिर है, और देखो ये चौक है, और चौक से हम राइट में जाते हैं तो लोनी के लिए चले जाएंगे, और लेफ्ट में जाएंगे तो बागपत बड़ौत के लिए निकल जाएंगे सहारनपुर। तो यहाँ पर भी देखो ये मशीनें लगी हुई हैं, देखो यहाँ पर भी रोड को एक्सपेंस किया जा रहा है, एक्सपेंशन का काम चल रहा है, रोड को चौड़ा किया जा रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये पाइलिंग मशीन खड़ी हुई है, देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस, मिलते हैं।